युवा का दर्द ये नेता क्या समझेंगे यार, कभी चपरासी का पेपर दिए है क्या नेता? ये जो एक युवा का दर्द समझेंगे, ये कभी नहीं समझ सकते ये युवा का दर्द। ये सरकार को बात मानना पड़ेगा, हम ना के तो बात सुनने ही नहीं आए हैं यहाँ पर। सरकार बात नहीं मानेगी, या तो हम वर्दी पे जाएंगे यहाँ से, नहीं तो हम अपनी अर्थी सजा कर जाएंगे। तो आ रहे हैं भैया, हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं हम, कोई ऐसे बेरोजगार नहीं है। हमने जो तुम्हारी जो पैमाना था उसमें खड़े उतरे हैं। ये युवा आसाम से, बिहार से तीन तीन दिन का सफर करके दिल्ली आ रहा है, इतनी ठंड में युवा दिल्ली आ रहा है। अरे युवा कोई पागल है क्या? युवा को किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इतनी ठंड में यहाँ पर दिल्ली में आएगा? मैं खुद मोदी जी के लिए रैली में झंडा उठा कर गया जाता था, लेकिन आज मेरा मोदी सरकार से मोह भंग हो चुका है। क्यों? युवाओं के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने युवाओं के लिए। जब से सरकार आई है युवा बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। ये युवा कह रहा है कि भैया हम मेडिकल फिट हैं, हम तीनों क्षेत्रों में उत्तीर्ण हुए हैं, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अगर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हो तो एक कारण बता दो कि इस आधार पर हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे। आपकी लगातार बात भी होती रही 15 दिन आपने यहाँ संघर्ष किया, सरकारें कह रही है कि लगातार युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या है कि आपको नहीं मिल रहा? भैया लगातार अगर तुम युवाओं को रोजगार दे रहे होते ना, तो ये लगातार SSDD का धरना चल नहीं रहा होता, ये कब का बंद हो चुका होता। 2018 में तुम भर्ती निकालते हो, 2021 तक तुम भर्ती चलाते हो, 3 साल तुमने भर्ती को लटका कर रखा। आखिरकार इसमें युवा दोषी है क्या? है रिटर्न फिजिकल मेडिकल तीनों क्षेत्रों में उत्तीर्ण हुआ है युवा, उसके बाद भी उसको आज ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। आखिरकार मुझे बताइए युवा कहाँ जाएगा पढ़ लिख कर? युवा तुमसे कोई ये भीख नहीं मांग रहा है, तुमसे कोई भीख नहीं कह रहा कि हमको भीख दे दो। अरे तुमने टेस्ट लिया था उस युवा का ना, तुम्हारे सरकार ने तुम्हारा हम लोगों का टेस्ट कराया था ना, रिटर्न का टेस्ट कराया था, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट कराया था, फिर मेडिकल का भी टेस्ट कराया गया, हम तीनों क्षेत्रों में उत्तीर्ण हुए, उसके बाद हमको रोजगार नहीं दिया गया। जो हमको रोजगार देना है जिस मंत्रालय को, जिस मंत्रालय के अधीन ये मुद्दा आता है, वो हमसे बात करेगा नहीं? ठीक है, राजनाथ सिंह से हमारी बात हुई, राजनाथ सिंह ने साफ क्लियर कट बोला कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय हमसे बात करे आके, SSC डिपार्टमेंट हमसे बात करे आके, इन दोनों मंत्रालय में से कोई भी अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। तो भैया मुद्दा हल कहाँ से होगा? आप मुझे बताइए ना, मुद्दा हल कहाँ से होगा? ऐसे मुद्दा हल होता है क्या? आपकी आपका डेलीगेशन मिलने गया था, तो वहाँ से क्या बात हुई, क्या वजह? अरे SSC कुछ कहता नहीं। देखो SSC कहाँ से कहेगा, SSC पता है कर्मचारी चयन आयोग के बारे में आप किसी युवा से पूछेंगे ना तो 10-10 गाली देगा इस कर्मचारी चयन आयोग को। आपको पता है कितना भ्रष्ट आयोग है ये? 3 साल ये भर्ती किस चला कर रखी इसने, 3 साल। 3 साल पता है कि युवा के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? एक होता है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग तिथि जारी कर देगा कि इस तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। एक है कर्मचारी चयन आयोग जो कि तिथि जारी ही नहीं करेगा कि तुम्हारी कब परीक्षा होगी, कब तुम्हारा फिजिकल होगा, कब तुम्हारा मेडिकल होगा, कुछ जारी नहीं करेगी। ये जब तक चलता रहे, ये तो पंचवर्षीय योजना बना दिए हैं किसी भी भर्ती को है? और उसके बाद में आज 80% युवा, आप कैमरा घुमाइए, 80% युवा आज ओवर एज हो चुका है। ये युवा आसाम से, बिहार से तीन तीन दिन का सफर करके दिल्ली आ रहा है, इतनी ठंड में युवा दिल्ली आ रहा है। अरे युवा कोई पागल है क्या? युवा को किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इतनी ठंड में यहाँ पर दिल्ली में आएगा? किस लिए आ रहा है? तुम्हारा कहीं ना कहीं फेलियर है ना, तुम बात तो कीजिए हमारे साथ में। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को, बड़े से बड़े नेता को, कि आए और 1-to-1 डिबेट कर ले आगे मेरे से रोजगार के ऊपर कि तुमने कितना रोजगार दिया है, कितना नहीं दिया है। SSC को भी खुला चैलेंज है, आए और बैठे और तर्क के साथ बात करें हमसे, हम बताएंगे उसको कि तुम्हारा फेलियर कहाँ पर है। यार गृह राज नित्यानंद, गृह तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे नित्यानंद राय, उन्होंने संसद में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि 1 लाख से अत्यधिक पद CAPF में खाली पड़े हुए हैं। ठीक, 60,210 की तुमने भर्ती निकाली थी, वो 60,210 हटा दीजिए, उसके अतिरिक्त थे 1 लाख पद खाली पड़े हुए थे। 1,09,000 युवा मेडिकल फिट हुआ था, तुमने वो 60,210 पद भी नहीं भरे, तुमने सिर्फ उसमें से 55,000 पद भरे, 6,000 पद तुमने छोड़ दिए। ठीक है, 55,000 युवाओं को तुमने ज्वाइनिंग दे दी, उसमें से भी 50% युवाओं ने ज्वाइन नहीं किया, वो कहीं अन्य नौकरी में सिलेक्ट हो गए। तो तुमने भर्ती प्रक्रिया में कितने लोगों को ज्वाइनिंग दिया? कुछ भी तुमने ज्वाइनिंग नहीं दिया। अब ये युवा कह रहा है कि भैया हम मेडिकल फिट हैं, हम तीनों क्षेत्रों में उत्तीर्ण हुए हैं, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। अगर ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हो तो एक कारण बता दो कि इस आधार पर हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे। ना तो तुम कारण बताओगे, ना तो तुम हमको ज्वाइनिंग दोगे, तुम चाहते क्या हो युवा से? युवा क्या करेगा?
क्या वजह मांगते हैं इसकी? सरकार नहीं सुन रही है, आयोग भी नहीं सुन रहा। इसकी वजह सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार। इसकी वजह सिर्फ एक है कि इनके अंदर युवाओं के प्रति कोई इनका रोड मैप है ही नहीं सरकार का। जब से सरकार आई है युवा बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। आप खुद बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, एक राज्य ऐसा बता दीजिए जहां पर बेरोजगारी के आंकड़े टॉप लेवल पर ना हो। है, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है पहले ये इसका आंकड़ा तो पेश करें। अब ये कहते हैं हम सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन जो युवा पात्र है, जो युवा योग्य है, जो युवा योग्यता रखता है, कम से कम उसको तो सरकारी नौकरी दीजिए। वही तो तुमसे मांग रहा है ना, कोई ऐरा गया नत्थू गया तो सरकारी नौकरी मांगेगा नहीं। जब वो रिटर्न पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास कर लिया, उसके बाद भी तुम उसको रोजगार नहीं दे रहे हो यार, तुम चाहते क्या हो आखिर? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, संघर्ष कहाँ तक जाएगा ये? देखिए संघर्ष ये अंतिम दौर पर आ चुका है, या तो अब हमें वर्दी मिलेगी या फिर हमारी यहाँ से आरती सज के जाएगी। ये सरकार सोच ले कि युवाओं को क्या देना चाहती है, बस सरकार तय कर ले। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव है, आपके आंदोलन का असर चुनाव में भी पड़ेगा? चुनाव में 55,000 युवा है साहब, इस 55,000 को मत समझिए। एक घर में 5 व्यक्ति होते हैं, 55,000 को 5 से गुणा कर दीजिए और एक युवा कम से कम 50 लोगों की ताकत रखता है। 50 युवाओं को वो सरकार से अलग करेगा। लगा लीजिए आंकड़ा, लगा लेना, जोड़ लेना बैठकर। है वोट, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं खुद मोदी जी के लिए रैली में झंडा उठाकर गया जाता था, लेकिन आज मेरा मोदी सरकार से मोह भंग हो चुका है। क्यों? युवाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने युवाओं के लिए, कुछ भी नहीं किया। लगातार सरकार झिंडोरा पीट रही, यहाँ मेट्रो में आपने देखा होगा योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां बांट रखी है, वो आप कह रहे हैं किया कुछ नहीं? अरे हम तो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं ना, योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरियां दी है, वो तो उत्तर प्रदेश का विषय है, उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे रही है, उत्तर प्रदेश में जो युवा है वो जवाब दे रहा है योगी सरकार को। आ रहा है चुनाव, पता लग जाएगा 4.5 लाख दिया है कि 5 लाख दिया है केंद्र ने भी। हम तो ये जो भर्ती है SSCGD की, ये तो केंद्र की भर्ती है ना। मोदी जी लगातार इस बात को कहते हैं युवा देश का भविष्य है और युवाओं ने ही सरकार बनाई है और युवाओं के लिए ढिंढोरा भी पीटा जा रहा है कि बहुत कुछ किया है। भैया अगर किया होता तो आप मुझे बताइए ना, ये जो भीड़ है ये किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा बुलाई हुई भीड़ लग रही है क्या आपको? है ये युवा 3-3 दिन का सफर करके दिल्ली में आंदोलन करने आ रहा है, अगर तुमने इसको रोजगार दे दिया होता तो ये क्यों आता है यहाँ पर? ये युवा का दर्द ये नेता क्या समझेंगे यार? कभी चपरासी का पेपर दिए है क्या नेता? ये जो एक युवा का दर्द समझेंगे ये कभी नहीं समझ सकते। ये युवा का दर्द केवल एक युवा समझ सकता है। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को स्पष्ट संदेश है भैया, स्वामी विवेकानंद कहा करते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। सरकार समझ जाए, हमारी असंवैधानिक मांग नहीं है, हमारी संवैधानिक मांग है। हम योग्य उम्मीदवार हैं भैया, हम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं हम, हमको ऐसे बेरोजगार नहीं है। हमने योग्य तुम्हारी जो पैमाना था उसमें खड़े उतरे हैं, और कोई टेस्ट लेना चाहते हो तो वो टेस्ट भी देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन बस हमें आप रोजगार दे दीजिए, इच्छा शक्ति दिखाइए युवाओं के प्रति, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत घातक हो जाएगा। सरकार अगर बात नहीं मानती तो संघर्ष आगे कहां जाएगा? देखिए सरकार को बात मानना पड़ेगा, हम ना के तो बात सुनने ही नहीं आए हैं यहाँ पर। सरकार बात नहीं मानेगी या तो हम वर्दी पे जाएंगे यहाँ से, नहीं तो हम अपनी अर्थी सजा कर जाएंगे यहाँ से। अब सरकार तय कर ले बस।